एक बार फिर से आपको बताएं, मार गई महंगाई गरीब की दुहाई। मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त। अदरक और लहसुन 800, प्याज 180 और टमाटर 140 रुपए किलो फरोख्त। मटर 320, शिमला मिर्च 180, अरवी 160, मेथी 150, आलू 130 रुपए किलो बिकने लगे। अनार 950, अंगूर 500, जापानी फल 280 और अमरूद 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादर से। अब्दुल कादर बताइए। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नफ़ा में जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो उनमें 8 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। ताहम जो रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में ये सब्जियां महंगी फ्रो की जा रही हैं, जिनमें प्याज 140 रुपए हम कर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 180 रुपए फी किलो तक फ्रो किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख किए जा रहे हैं। लहसुन चाइना 605 के बरक्स 800 रुपए और अदरक सरकारी कीमत जो है उसकी 585 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 800 रुपए फी किलो तक अदरक की फरोख की जा रही है। सब में चार 5 रुपए महंगी करके 95 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। टिंडे फार्म में 1 रुपए इजाफे के बाद 78 रुपए मुकर किए गए, लेकिन फरोख 150 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए महंगी करके 105 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में मेथी 150 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। बैगन 3 रुपए महंगे करके 50 रुपए मुकर किए गए, लेकिन फरोख 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। चना करेले 5 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए मुकर किए गए, लेकिन फरोख 150 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। फूल गोभी 2 रुपए महंगी करके 66 रुपए मुकर की गई है। शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी करके 120 रुपए मुकर की गई है। और फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कोल्हू 260 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। केला दर्जावल 160 और दर्जा दोम का केला मार्केट में 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।